रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत अवैधनाथ महाराज अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता में मंगलवार को उत्तर प्रदेश की टीम ने BSNL दिल्ली को 46-26 के अंतर से और जाट रेजिमेंट को 34-18 के अंतर से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता का एक अन्य मैच CRPF दिल्ली और ITBP दिल्ली के बीच खेला गया, जिसमें ITBP ने CRPF को 43-23 के अंतर से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी पन्ने लाल ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका हौसला बढ़ाया। मंगलवार को प्रतियोगिता का सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेला जाएगा। सेमीफाइनल मैच उत्तर प्रदेश ITBP और SSB फरीदाबाद इंडियन नेवी मुंबई के बीच खेला जाएगा। प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि महंत योगी आदित्यनाथ विजय खिलाड़ियों को ट्रॉफी और नगद राशि देकर सम्मानित करेंगे। इस अवसर पर यश भारती सम्मानित और अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच चंद्र विजय सिंह, उत्तर प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के महासचिव राजेश कुमार पांडे, उपाध्यक्ष सुशील कुमार, संयुक्त सचिव प्रभात पांडे, कोषाध्यक्ष अरविंद कुमार पांडे, चेयरमैन रेफरी बोर्ड सुरेश कुमार सिंह, विजय लक्ष्मी सहित खिलाड़ी और समर्थक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कबड्डी प्रशंसकों ने कहा, जो आपके सामने चल रहा था इसका मध्यांतर हुआ है। या 6 जने का है, 7 जने इस तरह से पहली बार इतनी अच्छी कबड्डी का मैच हो रहा है और दो टीमें खेल रही हैं, BSNL और उत्तर प्रदेश। इस वक्त उत्तर प्रदेश की टीम बहुत अच्छा खेल रही है और 7 अंक लेके अभी लीड कर रही है, जैसे उनका 17 इनका 24 है। ठीक है, किस तरह का ये जो रोमांच है कैसा है? जी, बहुत अच्छा रोमांच चल रहा है सर। ये पहली बार इतना अच्छा मैच हो रहा है गोरखपुर में, बहुत खुशी की बात है। ये कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं सर? यूपी की टीम अच्छा खेले उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो अच्छा खेलेगा उन्हीं का सपोर्ट करेंगे हम लोग। यही के हैं, रहने वाले हैं, इसलिए यूपी का टीम को सपोर्ट कर ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। पूरा प्रयास कर रहा है कि अंक अर्जित किया जाए अपनी टीम के लिए। शांत वगैरह का नाम देना है आपका, आप जल्दी जहाँ पे आए, यहाँ पे आए तो जल्दी आ जाइए, तो फिर जल्दी BSF के बीच मैच खेला जाएगा। ये टीमें नोट कर ले, तुरंत इसके बाद मैच होगा। आप लोग समय का ध्यान रखें। पहला मैच SSB और इंडियन नेवी के बीच। औपचारिक घोषणा परिणाम आने के बाद ही होगा।